हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, इससे पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था। अपवर्तन के नियम क्या होते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा था। आज की क्लास जो है अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक से रिलेटेड कुछ फार्मूले आएंगे, अपवर्तनांक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकलों का अभ्यास करेंगे। डियर स्टूडेंट, तो आज की क्लास में बने रहिएगा और साथ साथ में क्लास को शेयर कीजिएगा। और प्यारे बच्चों, आज की क्लास अब आप लोग 160 के हिसाब से पढ़िएगा कि एक ही बार आज से आपको ये क्लासें पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि अब आपके पास उतना टाइम नहीं बचा है प्यारे बच्चों कि आप एक टॉपिक को दो बार तीन बार पढ़ सकें। तो डियर स्टूडेंट, आइए आप लोगों का टाइम का नुकसान न करते हुए हम लोग आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक सरल लैंग्वेज में फिजिक्स को सीखते हैं, फिजिक्स को पढ़ते हैं। तो क्या हेडिंग बनाई गई है? अपवर्तनांक बनाई गई है। क्या हेडिंग बनाई गई है? अपवर्तनांक बनाई गई है। आखिर आज आपको जानना है अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले समझिएगा, हमने आपको बता के रखा होगा कि जब कोई प्रकाश किरण क्या होता है, ये माध्यम मानिएगा जरा सा, एक मिनट के लिए माध्यम एक हो गए और इसका नाम माध्यम दो। अब चाहे माध्यम एक आपका वायु हो जाए, चाहे माध्यम दो आपका कांच हो जाए, कोई भी हो सकता है, समझिएगा, समझिए। अब क्या होता है, आपने इसी पे क्या बना के रखा था, अब जब कोई प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता था, ठीक, तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाता था, विचलित हो जाता था। तो ये कितना विचलित होता था, ये देखिएगा, इनको जाना ऐसे चाहिए था, पर ये क्या हो जाते थे, ये अपने मार्ग से क्या हो जाते थे, विचलित हो जाते थे। तो आप समझिए कि जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता था, तो वह अपने मार्ग से या वह दूसरे माध्यम में कितना विसरित होता था, वो कितना विचलित होता था, यही क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से समझिएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, प्रवेश करने के पश्चात यह अपने मार्ग से तो विचलित तो हुआ, कितना विचलित हुआ, कितना ये इधर की तरफ अभिलंब से दूर हट गया, अभिलंब से कितनी दूरी पर हटा, यह घटना क्या कहलाती है, अपवर्तनांक कहलाता है। डियर स्टूडेंट, समझिएगा अपवर्तनांक की डिफिनीशन फिर से आप कैसे दोगे, क्या कहोगे, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, प्रवेश करने के पश्चात वह अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, और कितना विचलित होता है, यही क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह कितना विसरित होता है, यही अपवर्तनांक द्वारा व्यक्त किया जाता है, या यही अपवर्तनांक कहलाता है, इसे स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, डियर गाइज, हमने क्या बताया आपको,
कि ये प्रकाश किरणें प्रवेश की, प्रवेश करने के पश्चात ये कितना विसरित हो गई या कितना इधर की तरफ झुक गई, यही क्या कौन व्यक्त करता, अपवर्तनांक व्यक्त करता। अब ध्यान से समझिएगा, इसे हम लोग स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि इसका हमको अपवर्तनांक निकालना है, माध्यम एक का माध्यम दो का, तो माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना हुआ तो क्या लिखेंगे, माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष, माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक, क्या अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। तो ध्यान समझिएगा, माध्यम एक के सापेक्ष, तो माध्यम एक के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो ऐसे लिखिएगा, माध्यम एक के सापेक्ष, माध्यम एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, यानी क्या है, अपवर्तनांक है एक, क्या है माध्यम एक, दो क्या है माध्यम दो है, अपवर्तनांक बराबर क्या होगा। डियर स्टूडेंट फार्मूले को समझिएगा जरा सा, अब देखिएगा क्या होगा, दूसरे माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक क्या है, एन टू है, दूसरे माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक क्या है, एन टू है, बटे क्या हो जाएगा, पहले माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक। समझिएगा, हमने क्या कहा कि अगर हमको पहले का दूसरे के सापेक्ष निकालना है तो पहले के दूसरे के, पहले का दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम में अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, इसी को आप लोगों ने पढ़ा था एन, क्या पढ़ा था एन, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। और एन बराबर आपने पढ़ा है साइन आई बटे साइन आर, क्या होता है साइन आर। इसे अगर आप व्यवस्थित करना चाहो तो किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो एन होता है, पहला एन बराबर क्या हो जाएगा वन एन टू, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट फिर से लिख लीजिएगा, इसे क्या लिख लेंगे, एन बराबर वन एन टू बराबर एन टू बटे एन वन बराबर साइन आई बटे साइन आर, ये हो गए किसी माध्यम एक का दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक का फार्मूला। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार अपवर्तनांक जो होता है वो आपकी जो ये टॉपिक थी वो समाप्त होती, इसी से रिलेटेड कई बार एक नंबर या दो दो नंबर के क्वेश्चन पुट अप कर लिए जाते हैं प्यारे बच्चों कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक की चाल, कह सकते हैं सॉरी, किसी माध्यम में अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है। अब क्या हेडिंग बनाएंगे डियर स्टूडेंट, इस हेडिंग को आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके समझिएगा कि ये हेडिंग क्या होती है, क्योंकि इस हेडिंग से आपको एक या दो नंबर या तीन तीन चार 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 नंबर या दो नंबर आपके बोर्ड क्वेश्चन में पक्के हो जाते हैं प्यारे बच्चों। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझिएगा, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध क्या है, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध, प्रकाश की चाल से संबंध, ध्यान समझिएगा, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। तो जब हम लोग इससे परिभाषित करना चाहेंगे तो आपने पढ़ा अपवर्तनांक को हम लोग एन से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं एन से, किससे व्यक्त करते हैं एन से। अब एन बराबर क्या है, ध्यान से समझिएगा, पहला माध्यम जो माध्यम एक लिए थे वो क्या ले लिया जाए, वायु ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, वायु ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, वायु, और दूसरा माध्यम कुछ भी हो सकता है, दूसरा माध्यम क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों अब समझिएगा क्या होता है कि इस बार हम कहते हैं कि एन बराबर जो होता है वो होता है सी अपान वी, तो ऐसे लिखेंगे एन बराबर क्या होगा, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, और बटे क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगा, जानते हैं वायु में प्रकाश की चाल, क्या कह देंगे, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल। अब डियर स्टूडेंट इसका हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक,
अपवर्तनांक, ध्यान समझिएगा, माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर, माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर प्रकाश की चाल और वायु में प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है, सॉरी यहाँ वायु नहीं, वायु हटा के आप कोई भी माध्यम ले लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, क्यों वायु लिया जाए, तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, प्रकाश की चाल होती है c और माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो गई v, तो n बराबर क्या आ गए c अपान v, जहाँ c का मान आप जानते हैं 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब प्यारे बच्चों जरा सा आप समझिएगा, डियर स्टूडेंट, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक हम कैसे परिभाषित करेंगे, किसी माध्यम का अपवर्तनांक कैसे बताएंगे, तो प्यारे बच्चों प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात ही क्या कहलाता है, माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। क्या बताया मैंने प्यारे बच्चों कि माध्यम के अपवर्तनांक को कैसे परिभाषित करेंगे, जैसे आपने क्या ले लिया कि ये वायु ले लिए, वायु से कांच में प्रवेश कर रहा था और हमने पूछा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, तो हम बता देंगे वायु में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात ही इन दोनों के माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट एक बार फिर से क्लियर कीजिएगा, क्या बताना चाह रहे हैं, प्रकाश की चाल, क्या प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात ही क्या कहलाता है, माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। तो क्या लिखेंगे, प्रकाश की चाल तथा माध्यम में, वायु में प्रकाश की चाल लिख सकते हैं ऐसे, तो क्या लिखेंगे, प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात ही, चाल का अनुपात ही माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है, माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। ये हो गए इस प्रकार, ठीक प्यारे बच्चों, प्रकाश की चाल और माध्यम में, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है वो माध्यम का क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। तो अब हम क्या करते हैं, इस बार हम कहते हैं वायु में, या कहते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक निकालते हैं प्यारे बच्चों, आपके टॉपिक में जो चर्चा करना है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिख के, आइए इस बार चर्चा करते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो डियर स्टूडेंट जरा से समझिएगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु का मतलब होता है एयर, यानी जो प्रकाश किरणें हैं वो वायु में से किस में आएंगी, कांच में आएंगी, तब जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट आप समझिएगा जरा सा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक को n से व्यक्त करते हैं, वायु मतलब a मतलब एयर और कांच यानी g, amg यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। आपने फार्मूला क्या पढ़ा था, आपने ये फार्मूला पढ़ा था ना, n2 बटे n1, तो वहाँ n2 क्या होता था, दूसरा माध्यम होता था, तो लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, mg बराबर, तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल आ गई vg, मान लेते हैं ग्लास यानी g का मतलब ग्लास, तो कांच में प्रकाश की चाल vg हो गए, और हवा में यानी किसका हो जाएगा a, तो यहाँ क्या हो जाएगा va, तो ये आ गए आपके समीकरण नंबर क्या, सॉरी एक मिनट जरा से समझिएगा, आप क्या लिखे थे यहाँ फॉर्मूले, इससे चलना है, क्या है भैया, c अपान v है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आप पढ़े थे किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो प्रकाश की चाल अपान दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। हमने क्या बताया प्यारे बच्चों, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ang बराबर क्या आ गए भैया, c अपान vg, सी क्या है माध्यम में प्रकाश की चाल, और जो सॉरी सी क्या है प्रकाश की चाल है, vg क्या है
कांच में प्रकाश की चाल है। समीकरण नंबर क्या बना लिए, एक बना लिए। क्या बना लिए प्यारे बच्चों, एक बना लिए। अब क्या करते हैं, अब हम लोग वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकाले हैं, अब अगली बार क्या करेंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या करते हैं, जल का अपवर्तनांक। तो डियर स्टूडेंट, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, जरा समझिएगा। तो वायु के सापेक्ष, तो वायु है किसका अपवर्तनांक, यन जल का, तो डब्लू, यानी ए एन डब्लू का मतलब, डब्लू मतलब वाटर, ए का मतलब एयर, बराबर क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल सी और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल वी डब्लू। समीकरण नंबर दो। अब क्या करते हैं, समीकरण एक और समीकरण दो को क्या करते हो आप लोग, भाग दे देते हो। क्या करते हो भैया, भाग दे देते हैं। तो चलिए भाग देते हैं, तो इधर वाले टॉपिक को हम लोग मिटा लेते हैं जरा सा। तो इन टॉपिकों को क्या करते हैं, समीकरण दो बटे समीकरण एक से। तो समीकरण दो क्या है, ए एन डब्लू बराबर क्या है, सी अपान वी डब्लू बटे, यहाँ क्या है, ए एन जी है, क्या है, ए एन जी बराबर सी अपान वी जी। देखिए ये सी से सी कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये सी से सी कैंसिल, तो वी जी ऊपर चला जाएगा, वी डब्लू नीचे हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, ए एन डब्लू क्या आ जाएगा, फिर से लिखते हैं जरा सा, ए एन डब्लू बराबर बटे क्या आ जाएगा, ए एन जी बराबर वी जी ऊपर गए, वी जी अपान का गए, वी डब्लू जल में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल। तो ये आ गए ए एन डब्लू। अब ध्यान से समझिएगा, ये किसके सापेक्ष हो गया, कांच का, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हो जाएगा। इससे हम क्या लिख सकते हैं, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो इस फार्मूले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार इस फार्मूले को हम लोग लिख सकते हैं, ए एन डब्लू, ऐसे लिखिएगा जरा सा आप लोग, ए एन डब्लू बटे ए एन जी बराबर क्या हो जाएगा, वी जी अपान जो वी डब्लू है उसे आप क्या लिख सकते हो, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो जी एन डब्लू भी लिख सकते हैं, और ये बराबर क्या होता है, वी जी अपान वी डब्लू। तो हम इस फार्मूले को इस रूप में भी लिख सकते हैं या इस रूप में भी लिखा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, ये होता है किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक या किसी भी माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, ये इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये आपकी जो टॉपिक होती है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब इसी में एक चीज आया है जरा सा, कि क्या जानते हैं, प्रकाश की इस आधार पर कुछ न्यूमेरिकल हैं, आइए हम लोग उनको अध्ययन कर लेते हैं, जो कि बोर्ड पेपर में कई बार पूछे गए हैं, तो आइए उन प्रश्नों का अभ्यास करते हैं जरा सा डियर स्टूडेंट। तो हम उस प्रश्न को लिख लेते हैं, फिर आगे हल करते हैं। ठीक सौरभ सर, थोड़ा सा इसको कीजिए तो हम सवाल लिखें, जाने दीजिए, इसी में बोलते हैं। ठीक, तो डियर स्टूडेंट आइए सवाल आपके सामने ही लिखा जाए और आप भी उसको लगाने का प्रयास करो, आप लोगों को नहीं आएगा तो हम बताते हैं उनको। चलिए, तो आपका सबसे पहला सवाल है, कई बार बोर्ड पेपर में पूछा गया है, वायु में प्रकाश की चाल क्या है, क्वेश्चन नंबर एक हम बनाएंगे, वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ठीक, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक आपको 1.3 दिया है। क्या कह रहा है, उस क्या कह रहे हैं, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए,
जिस माध्यम का अपवर्तनांक या जिसका जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.3 है। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न इतनी बार पूछा गया, आप अनुमान लगा सकते हो 2019, 15, 11, 13 इतनी बार ये पुटअप किया गया है और ये क्वेश्चन 2 नंबर के मार्क में पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सवाल जरा सा पढ़िएगा, एक बार नहीं दो बार। वायु में प्रकाश की चाल यानी सी आपको दिया है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है जिस माध्यम में वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है 1.3, यन बराबर क्या दिया है 1.3 दिया है। तो आप फार्मूला पढ़े थे अपवर्तनांक बराबर, क्या पढ़े थे अपवर्तनांक बराबर आपने पढ़ा है, यन बराबर क्या पढ़े हैं प्रकाश की चाल, किसकी चाल प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल सी है, बटे क्या पढ़े हो माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो डियर स्टूडेंट, माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती थी v होता था, तो n बराबर मिल गए c/v। आपको v ज्ञात करना है तो क्या करेंगे n क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो c बराबर क्या हो गया n × v। आपको v ज्ञात करना है तो आप कीजिएगा, या तो आप इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी v बराबर c, तो आपको v ज्ञात करना है यानी इधर आ जाएंगे तो v बराबर c/n। चलिए c का मान कितना है डियर स्टूडेंट, c का मान है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। फिर n कितना है 1.3 है, कितना है 1.3 ही नहीं, सॉरी बच्चों 1.3 नहीं 1.5 है, तो हम लोग इसको 1.5 बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1.3 भी रहा होता तो देखिए ये पॉइंट काटोगे तो यहाँ 10 लग जाएंगे और ये 10 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे तो कितना जाएगा 30/15×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसे डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी v बराबर 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गए उस माध्यम में प्रकाश की चाल। प्यारे बच्चों, 2 नंबर का क्वेश्चन पुटअप किया गया है और कई बार बोर्ड पेपर में पूछा गया है, तो आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके लगाइएगा। चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो प्यारे बच्चों। चलिए एक अगला प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है, एक चित्र बनाया गया है 2020 में, ये क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, ये भी 2 नंबर के प्रश्न पुटअप किए गए हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, लिस्ट में आप लोग दूसरा क्वेश्चन बनाइएगा इम्पॉर्टेंट करके, IMP 2020 में क्वेश्चन पुटअप किया गया है, कुछ डायग्राम बनाए गए हैं, आरेख बनाए गए हैं, फिर उसको आपको कहा है आप हल कीजिए। ये हो गए कोई आपतित किरण और दूसरे माध्यम में जब प्रवेश की तो ये अपने मार्ग से क्या हो गई विचलित हो गई। यहाँ आपतन कोण कितना दिया है 45 अंश और जो अपवर्तन कोण है वो कितना दिया है 30 अंश दिया है। आगे कह रहे हैं ये कोई माध्यम एक है, माध्यम एक है और ये कोई क्या है माध्यम दो है। आगे सवाल में कह रहा है ये 2020 में क्वेश्चन पुटअप किया गया है, ठीक, क्या कर रहे हैं आप अपवर्तन कोण द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, सवाल जरा सा मिसप्रिंट है, क्या है कह रहा है पहले माध्यम का आपतन कोण यानी आपतन कोण आपको 45 दिया है और अपवर्तन कोण r क्या दिया है 30 अंश दिया है। तो पूछ रहा है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो डियर स्टूडेंट लिखेंगे पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या पढ़े हैं अपवर्तनांक n बराबर sin i / sin r।
अब कहोगे सर ये कैसे आप जान गए कि ये फार्मूला यूज करना है। डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, आप आई और आर दिया है तो कहाँ से सी अपान वी लगाओगे? सी अपान वी तो लगा नहीं सकते, तो हम ये लगाएंगे। एन बराबर साइन। अब आई, आई के स्थान पर कितना है? 45 है। चलिए साइन 30, तो साइन 30 कितना है? साइन आर है, तो साइन 30 हो गए। डियर स्टूडेंट, साइन 45 अंश का मान आपको पता होना चाहिए, साइन 30 अंश का मान पता होना चाहिए। तो आप जानते होंगे साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2, और साइन 30 अंश का मान होता है साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, और साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। आप क्लियर करना चाहो तो क्लियर कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, चलिए अब क्या करते हैं, साइन 45 अंश का मान, तो साइन 45 अंश का मान कितना है? 1/√2 है। और साइन 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो ये दो ऊपर पहुंच जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2/, ये यहाँ आ जाएंगे, √2 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, आप क्या कर सकते हो, इसको, इस दो को क्या √2 × √2 नहीं लिख सकते? √2 का गुणा 2 से करोगे फिर 2 आ जाएगा, 1√2 नीचे, ये कट गए तो आ गए √2, जिसका मान 1.414 लगभग होता है। तो अपवर्तनांक n बराबर क्या आ गए? 1.41। तो आपके जो ये क्वेश्चन थे वो इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके 2020 में 2 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे। आइए अब हम लोग चलते हैं एक प्रश्न और की चर्चा करते हैं जरा सा। क्या है, कह रहे हैं वायु में प्रकाश की चाल, ये भी आप इम्पोर्टेंट करके बनाइएगा, ठीक। ये भी सवाल आपके 2013 और 11 में पूछा गया है, 2013 और 2011 में। तो क्या है, 2013 और 11 और 2015, 2013 11 15 और कितने नंबर के प्रश्न? 2 नंबर के हैं। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक। ध्यान समझिए, एक बार वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ऐसे लिखते हैं, अलग लिखते हैं। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया है प्यारे बच्चों? 4/3 है। तथा कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कितना दिया है? 3/2 है। क्या है? 3/2 है। तो क्या पूछ रहा है? 3/2 है तो क्या पूछा है? तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार का सवाल कई बार पुटअप किए जाते हैं, तो आप इसको जरा सा भी मिस ना कीजिएगा, जरा सा भी इसको स्किप मत कीजिएगा, आपको समझ में आ जाने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट क्या कर रहा है, वायु के सापेक्ष जल का, तो वायु के सापेक्ष ए अपवर्तनांक एन जल ANW बराबर क्या है? 4/3 है, ठीक। उसके बाद किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच, तो वायु के सापेक्ष AN, फिर क्या हो जाएगा यहाँ, वायु के सापेक्ष कांच, तो G हो गए बराबर, G मतलब ग्लास, W मतलब वाटर, क्या है? 3/2 है। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, कांच के, जल का कांच के सापेक्ष, तो जल क्या है? W, फिर N किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष, तो WNG बराबर आपसे प्रश्न पूछा। तो डियर स्टूडेंट, अभी इससे ही क्लास में, इसी क्लास में हमने आपको फार्मूला बताया था WNG बराबर क्या होते हैं, तो आपने देखा होगा तो लिखे थे WNG बराबर क्या होते हैं, ANG यानी इसका अपवर्तनांक बटे क्या होता है, ANW। क्या आप फार्मूले को एक बार मिला लीजिएगा, क्या आप यही फार्मूला उपयोग में लाए थे? प्यारे बच्चों, ये नहीं था,
ये होगा ए एन डब्ल्यू फिर ए एन जी, यानी इसको और इसको भाग दे दें तो कांच जल का कांच के सापेक्ष मिल जाएंगे। अगर कांच का जल के सापेक्ष पूछेगा तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ हो जाएंगे। अब ए एन डब्ल्यू, ए एन डब्ल्यू का मान कितना है, 4/3 है, और इसका मान कितना है, 3/2 है। का करोगे, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ, इनका मल्टीप्लाई यहाँ, तो 2×4 और 3×3, 2×4 = 8, 3×3=9। तो ये आ गए 8/9। डियर स्टूडेंट, 2013-11-15 में पूछा गया प्रश्न, क्या पूछा कह रहा था, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2। तो जल का कांच के सापेक्ष पूछा था, तो WNG बराबर ANW/ANG होता है। तो डियर स्टूडेंट, आपके ऐसे ही सवाल जो है बोर्ड पेपर में पुटअप किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, अगर क्लास पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।